घर से अब निकला हूँ घूमने के लिए। मौसम भी बहुत सुहाना है, आज बारिश भी हुई है थोड़ी देर पहले, तो मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना है। और मेरा भाई मेरे साथ है राहुल, तो हम लोग जा रहे हैं आज हाईवे की तरफ बहुत दिनों बाद। मुझे लगता है मेरे बीमार होने के बाद मैं बाइक पे फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ हाईवे, और बहुत अच्छा अनुभव है। बहुत कुछ चेंज हो गया है भाई, दुनिया तो पूरी तरह चेंज हो गया है। सब कुछ चेंज हो गया भाई पूर्णिया में। और अभी हम लोग नेवालाल चौक पहुँचने वाले हैं, नेवालाल चौक से हम लोग मेलोरी की तरफ हाईवे की तरफ जाएंगे। और भाई सच्ची बताऊँ बहुत बहुत खुशी हो रही है और बहुत मज़ा भी आ रहा है। और मेरा भाई बहुत संभाल संभाल के गाड़ी चला रहा है। और हम लोग अभी नेवालाल चौक पहुंच गए हैं। बहुत दिन बाद भाई, 2 साल बाद आया हूँ नेवालाल चौक में। सच्ची बताओ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हाईवे का ये मज़ा भाई, हाईवे तो बहुत मिस कर रहा था भाई, इस हाईवे को, हाईवे की जर्नी बहुत मिस कर रहा था मैं। ऐसा नहीं है बीमारी में मैंने ट्रैवल किया, बट विथ बाइक पीछे बैठ के ऐसे आराम से बहुत दिनों बाद भाई, बहुत दिनों बाद। तो अभी हम लोग नेवालाल चौक पे जो ये हीरो शोरूम है श्री हीरो, ये अभी क्रॉस कर रहे हैं। तो गाइस इसकी भी ओपनिंग हो गई है, जब मैं बीमार पड़ा था उस समय इसका काम चल रहा था, उस वक्त इसका काम चल ही रहा था। अभी तो ये पूरी तरह से खुल गया है और काम भी है। तो गाइस आपको हाईवे पे मैं चल रहा हूँ तो नॉइज थोड़ा ज़्यादा आ रहा होगा, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना नॉइज में। ढाबे पे रुकेंगे जो कि मुखिया जी का ढाबा है। बहुत पहले हम लोग जब ठीक थे तो यहाँ पे आया करते थे शाम में चाय वाय पीने के लिए, यहाँ ढाबा पे, और मुखिया जी से भी मिलेंगे बहुत दिनों बाद। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं मुखिया जी का ढाबा फाइनली। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मुखिया जी का ढाबा, और ये यहाँ मिल गया हमें एक साथी, यहाँ पे एक साथी मिल गया है। क्या नाम है राजा इसका? लंगड़ी। लंगड़ी ए लंगड़ी, देखिए ही इज रिस्पोंसिंग। तब मुखिया जी जी नो नो सी इज रिस्पोंसिंग। हम सीजनल भगवान के दुआ करते थे बजरंग बली से ठीक हो जाएंगे, ठीक रहेंगे। हाँ एकदम पूरा बीमारी खत्म हो गया, खाली चलना बस 75% 25% बचा है। हम बराबर पूछते थे, आते थे बराबर, बोले नहीं, बोले ठीक है। उस दिन भी तो थे मुखिया जी, उस दिन भी आप जिक्र कर रहे थे जी। तो गाइस अभी मुखिया जी का ढाबा पे आए हुए हैं हम लोग, यहाँ बहुत पुराना कस्टमर है मुखिया जी का जी। बाबा बजरंग बली से हम मनाते थे कि ठीक हो जाएंगे। हाँ चलिए, नज़र तसल्ली मिल गया हमको। अच्छा चाय नहीं पिलाएगा? बनवाने के लिए इसको स्पेशली लेके आया हूं। चाय बना, अच्छा से बनाना। तो ये मुखिया जी का ढाबा है, आप लोग कभी भी यहाँ से गुजरो हाईवे से नेवालाल चौक से बेलोड़ी की तरफ या बेलोड़ी से नेवालाल चौक की तरफ, तो ये एक मंदिर पड़ता है। यहाँ बैरियर पहले कटता था, याद होगा बहुत किसी को, यहाँ बैरियर कटता था, यहीं पर मुखिया जी का ढाबा है। तो ये मुखिया जी हैं, आप लोग कभी इधर से गुजरे तो एक बार मुखिया जी के यहाँ चाय नाश्ता जरूर करके जाए। मुखिया जी बहुत अच्छा चाय नाश्ता बनाते हैं। हर एक आदमी से हम न्यूज लेते थे, हाँ अच्छे हैं।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ हाईवे पे, हाईवे के जस्ट किनारे ही मुखिया जी का ये आप एक क्या का गाछ है मुखिया जी, जिलेबी का गाछ के नीचे ही मुखिया जी का दुकान है। आप लोग इधर से गुजरे थे एक बार, यहाँ जरूर रुके। और ये अपना भाई, अपना दोस्त, भाई का भी YouTube चैनल है, इसके चैनल का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वैसे भाई से पूछ लेते, भाई अपने चैनल का लिंक नाम बता दो। माइस टू गो भाई के चैनल का है, आप लोग भी जाइए और भाई के चैनल को चेकआउट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भाई भी बहुत बूम बूम वीडियोस बनाते हैं, बेसिकली ऑन मोटो ब्लॉगिंग, तो मस्ट विजिट और चैनल। इट्स माइल्स टू गो, इट्स माइल्स टू गो ऑन। बेसिकली भाई मोटो ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा डॉगी है। हम लोग का चाय आ गया है, मुखिया जी भी चाय का मज़ा ले रहे हैं और भाई भी चाय घूम घूम के मज़ा ले रहे हैं। तो गाइस चाय पीते हम लोग और मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद, मुखिया जी से कुछ बातचीत करते हैं, बहुत दिन बाद आए हैं और मिलते हैं आपसे फिर से मोटो ब्लॉगिंग मोड में। फिर से वापस से आपका स्वागत है मोटो ब्लॉगिंग मोड में। मैं फिर से घर जाने के लिए निकल गया हूँ यहाँ से, मुखिया जी के यहाँ से। आप मजा लीजिए इस हाईवे के बाइक का। शादी होने वाली है और डीजे साहब पूरे मौज में डीजे बजा रहे हैं। ओ भाई साहब, दे वाला चौक से बहुत लंबा जाम, फिर से बहुत लंबा जाम दे वाला चौक। पूर्णिया के नगर निगम का हालत देख सकते हैं, थोड़ी सी बारिश होती नहीं है कि बस चारों तरफ पानी 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 नहीं बोलेंगे भैया, इसको नदी तालाब बोल सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा खड्डा है हमारे पूर्णिया की सड़कों पे। एंड ये हमारे छोटू भैया का आयरन जिम, जिन्हें भी जिम करना हो यहाँ आके अपना जिम स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं छोटू भैया गार्डन जिम। अभी हम लोग नेवालाल चौक से आगे सुदीन चौक की तरफ घर को रवाना, और आप अब मजा लीजिए इस टाइम लैप्स का।
वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और आपके आपको अगर मेरा ये मोटो ब्लॉगिंग का वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे को कमेंट में बताइए, मैं आगे भी ऐसा ही मोटो ब्लॉगिंग का वीडियो बनाता रहूँगा। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ना भूलना। तो गाइज तब तक के लिए बाय बाय।